अल्लाह ने तुम्हें जिहाद के लिए भेजा है, जिहाद ही हमारा मकसद है। आज तुम दोनों को मैं अपनी मंजिल का पता बताने वाला हूँ। जी जनाब। तुम खालिद, तुम जाओगे अमेरिका वाले खेमे में। जी जनाब। बशीर, तुम जाओगे लंदन वाले खेमे में। जी जनाब। तुम्हें हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए भेजा था, ये क्या हालत बना रही है? सोएब बोलो, सोएब कमांडर कहाँ है? कमांडर शहीद हो गए। कमांडर शहीद हो गए। अपनी जान बचा के भाग के आए। क्या हुआ, तुम्हें इंडियन आर्मी मिल गई थी क्या? जनाब, इंडियन आर्मी की जरूरत ही नहीं है, इंडिया के किसान ही बहुत खतरनाक है। क्या बात करते हो, किसानों ने तुम्हें मारा? बहुत बुरी तरह से मारा जनाब। तुम्हें अपने कमांडर की मौत का बदला लेना होगा, तुम्हें इंडिया वापस जाना होगा। नहीं जनाब, मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें इंडिया ही जाना होगा, तुम्हें उसकी मौत का बदला लेना है। जनाब, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाओगे तुम हिंदुस्तान? हिंदुस्तान के लोग बहुत ताकतवर है। बहुत ताकतवर है? तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे ऊपर अल्लाह का नूर है, तुमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम्हें हिंदुस्तान की रस्म रिवायत की तालीम लेनी होगी, उसके लिए तुम्हें फिर से एक बार तालीम दी जाएगी। जी जनाब, मैं अपने कमांडर की मौत का बदला जरूर लूंगा। वाह वल्लाह मेरे शेर। अब तुम्हें इससे आगे की तालीम के लिए अब्दुल जब्बार के पास जाना होगा। अब्दुल जब्बार तुम्हें रस्म और रिवायत और इंडिया की तालीम दे। जी जनाब। वाह मेरे शेर, जा, तुझे अल्लाह सलामत रहे। Made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our place among those Indians who are now abroad. I expect that Indians living in Axis countries or in बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल। आओ मेरे शेर सोएब, अब तुम एकदम हिंदुस्तानी जैसे लग रहे हो। कैसा लग रहा है हिंदुस्तानी बनकर? जनाब, मुझे बिल्कुल इंसान जैसा फील हो रहा है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आज तुम एकदम हिंदुस्तानी जैसे लग रहे हो मेरे शेर। मेरे बच्चे, अब तुम एकदम तैयार हो हिंदुस्तान में बम फाड़ने के लिए, हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। मुझे तुम्हारे जैसे शेरों की जरूरत है आज। ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, ये तुम्हें हिंदुस्तान में फाड़ना है। पंद्रह अगस्त 1947, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कौम को शहादत मिली। शहादत के बाद भारत को आज़ादी मिली। एक ही तिरंगे के नीचे खड़ा होकर हम सब ने भारत का संविधान बनाया। इसमें सभी को बराबर अधिकार दिया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई। एक ऐसा देश जो अपने मजहब को जानता हो, पहचानता हो और अपना मानता हो, वहाँ कोई कैसे बम फोड़ सकता है? हिंदू और मुस्लिम दोनों फांसी के तख्तों पे चढ़ रहे हों, झूल रहे हों, वहाँ कोई कैसे बम फोड़ सकता है? आमोश, नामाकुल, बदअक्ल, बदशक्ल, गड़रिये के औलाद,